बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष की एकजुटता के लिए बड़े कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। आज एक दिन में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से नीतीश कुमार मुलाकात करने जा रहे हैं। नीतीश के इस सियासी कदम को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बेहद अहम माना जा रहा है। 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद जारी है और नीतीश कुमार इसमें बड़ी भूमिका निभाते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में नीतीश ने एक ही दिन में एसपी प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ साथ पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से मुलाकात करने की योजना बनाकर सियासी खलबली मचा दी है। नीतीश कुमार आज यूपी की राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। इसे सीधे नीतीश की बीजेपी विरोधी मोर्चाबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश ने एनडीए से अलग होकर और तेजस्वी के साथ बिहार में सरकार बनाकर खलबली मचा दी थी और उसके बाद बीजेपी को 2024 में हराने का ऐलान भी कर दिया था। अब तक ममता और अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ आकर विपक्ष को एकजुट करने में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। देखना होगा कि नीतीश से मिलने के बाद ममता और अखिलेश का मन बदलता है या नहीं। बता दें कि नीतीश 2024 चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर बीजेपी वर्सेस ऑल का माहौल बनाना चाहते हैं और इसके लिए ममता और अखिलेश का साथ आना जरूरी है। बता दें कि विपक्षी एकजुटता में फीका रिस्पांस सिर्फ ममता और अखिलेश का नहीं है। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस भी विपक्षी एकता में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। खुद को विपक्षी एकता से बाहर दोनों पार्टी ने रखा है। माना जाता है कि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस खुद को सत्तारूढ़ एनडीए के ज्यादा करीब रखना पसंद करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के विरोध से बचते हैं। अब देखना होगा कि नीतीश जब विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में जोर शोर से जुटे हैं तो ममता अखिलेश नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी क्या बीजेपी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।